हाँ जी, जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और 6 बजे होंगे बाहर, तो बाद में दिखाती हूँ। सुबह ही बारिश लगी और आज 31 मार्च और आज शानू का रिजल्ट आएगा। तो शानू भी उठ गया है। जब उसने स्कूल जाना होता है ना तो सुबह उठ जाता है, ऐसे वो 9-10 बजे तक बिल्कुल नहीं उठता। मेरे को सोने दो, और उसको कोई नहीं उठाता। जब वो स्कूल जाता है वो अपने आप 5-6 बजे अपने आप उठ जाता है। तो अभी उसने जाना है तो उसके लिए चाय बनाती हूँ। और बाहर का दिखाती हूँ मौसम, आज फुल रेन है, मतलब पूरा दिन 90-100% बारिश बताई है। तो गले में पता है ठीक भी हो जाता, पर खाती मैं पर हर कुछ नहीं खाती। ऐसे जैसे उस दिन के बाद मैंने अचार बिल्कुल भी नहीं खाया, और बस वो मेरे को फ्रिज का नहीं पचता, बिल्कुल भी नहीं पचता फ्रिज का। देखो मैं, देखो सोची से ऐसे। कल मैं वो अपने आप ले आए थे ना गड्डी उठा के। और आज ना एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को। आज ना हमारे को, मुझे भी जाना है कहीं रिटायरमेंट में ना, 2 जगह मेरे को बुलाया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक ही जगह जा पाऊंगी कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जा पाऊँ, ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे जाना है। तो चलो पहले बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ओ ये देखो बाहर लगी है बारिश, रात से लग गई है। तो अप्रैल शुरू हो जाएगा कल से, पर हमारे ठंड का वही दौर शुरू हो गया है फिर से जो हमारे यहाँ पे नवंबर दिसंबर में होती है। खैर उतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है, मतलब बिना शॉल कोटियों के रजाइयों के नहीं रह सकते। ये देखो, और एक खुशखबरी है कि यहाँ पे मेरा एक बीज निकल गया। बाकी फ्रांस बीन मेरी सड़ गई, फ्रांस बीन बहुत बारिश हुई उसके बाद। मैं कल देख रही थी निकाल निकाल के लकड़ी से खोद के, तो फ्रांस बीन सड़ गई। वो वहां पे ना वो देखो वहां पे एक बीज निकला है। जूम कितना बढ़िया जूम है इसका, पक्षी बोलते हो कितने प्यारे लगते हैं ना। आहा, इतना खूबसूरत सा मौसम, सुहाना सा, और ठंड बहुत मार हुए है। तो कितने सारे पक्षी बैठे हैं उधर देखो, तो ठंड के मारे। कुमकुम लगाया था कल, मेरी वो बिंदी ना छूट गई है। शानू को चाय दे दी, मौसम आपने देख लिया। अब मैं आग चलाने जा रही हूँ। सानू बाल्टी भर जाएंगी था, क्या कर दिया, क्या करना था? दूसरा बाल्टी भर जाएंगी, देख लिया भर गई, बंद करना ना बता दे भर गई। हाँ ता ताना ना माना ना ते पर नहीं पे बाल्टी थे ना हुई आग हमारी बल चुकी है, जल चुकी है। तो देखो यहाँ पे बजे थे आलू शाम के, तो उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा डाल दिया ये लहसुन की पत्तियां वगैरह डाल के, और ये डाल दिए इसमें हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला। अब इसके ही बना देंगे परांठे इसी बर्तन में।
बन जाएंगे, इसमें ब्रेकफास्ट ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए ये बन चुका है हमारा परांठा। एक ये है जिसमें मैंने तेल नहीं लगाया है, इसको खाऊंगी मैं। और एक ये है, इसमें लग चुका है थोड़ा थोड़ा सा तेल। और क्योंकि आलू पतले हो गए थे ना, तो एक मिनट, ये देखो मैं दो फुलके बना रही हूँ और फुलके के ऊपर दूसरा फुलका रख रही हूँ। फिर क्या होगा ना कि ये देखो, आ जाओ माँ दिल घबराए, वो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये देखो क्योंकि ना ये पेस्ट पतला हो चुका है थोड़ा सा, मतलब ये आलू तो खाने के लिए बनाए थे ना कल, तो ये पतले तो होंगे, तो इस वजह से मैंने इस ये फुलको में बनाना ठीक समझा। ये देखो, आ जाओ माँ दिल घबराए, वो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वो मेरी मैया ने पहनी है साड़ियां, उसे लहंगा संभाला ना जाए, वो लाल लाल हरे हरे मोती जड़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, वो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो इनको लगी है बहुत जल्दी, पता है इन्होंने क्या किया कल, मैं इनकी स्टोरी बताती हूँ आपको कहानी। दही दही कल ये थाली बदल के आ गए लोगों के घर से। तो चलिए अभी तैयार हो लेते हैं कपड़े। पता है आज बारिश है, आज फिर से इन्हीं कपड़ों की बारी आएगी ले जाने की, क्योंकि ये बहुत मोटा सूट है और इससे जो है ठंड नहीं लगेगी। कोटी तो फिर भी पहननी पड़ेगी कि ये फिर चलो, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो एक मोटा सूट तो ये, बाकी कोटी निकाल लेती हूँ, कोटी ये वाली ले जाऊँ कि मोटी जैसी नहीं हो, नहीं कपड़े मोटे हैं तो ये ठीक है। बाकी पर्स, पर्स भी कर लेती हूँ अपना तैयार सारा। तो अब मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, और मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि खाने का ध्यान रखा, तो बिल्कुल खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। गला वैसे ठीक है पर फिर बैठ जाता है बीच बीच में, तो मौसम एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको बाहर चल के। और आज शानू का रिजल्ट भी है, इस टाइम तो निकल गया होना, वो सुबह 6 बजे निकल गया था, आता ही होगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें बस बारिश लगी है, लगी है हर टाइम लगी है। तो मैंने आशू को फ़ोन किया था, आशू की मम्मी भी जा रही है, तो मैंने बोला कि जब चलेंगे पार से ना तो मेरे को फ़ोन करना। तो गांव की मैक्सिमम औरतें जा रही है, सबको बुलाया वहां पे। ये दही लो, लो भूखा मेरा परांठा, वाह जी वाह। तो चलिए हमारा ये बस ये बताती हूँ, फिर खाते हुए दिखाती हूँ आपको, है ना। आया थोड़ा, आज थी बारिश और बारिश के काम तो कुछ होना नहीं था, तो फिर मैं नहा गई और बाल धो दिए सुबह सुबह ही, और तब लगी थी इसको बनाने में, बिंदी बुंदी कुछ नहीं, बाल पीछे को ऐसे फोल्ड किए, मैंने कहा फिर आगे खाने में पड़ते हैं ना, तो अभी गीले थे बाल भी। और आज हम कहीं जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ जाना है, कि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश की कहीं आया जाया नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश की। तो इनको खाने गरम गरम पराठे जल्दी जल्दी से, तो ये खाने लगे हैं, मैं पका लेती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, है ना। तो ये देखिए मैं खा रही हूँ सूखा पराठा, रूखी सूखी रोटी खाने को मजबूर हो गई हूँ, क्या करूँ, तकदीर ने कुछ ऐसा खेल खेला मेरे साथ, मेरे को कोलेस्ट्रॉल कर दिया। ऐसे टाइटल बड़े चलते हैं, रूखी सूखी खाने को मजबूर हो गई हूँ, घर में ना कुछ भी नहीं है, सब्जी तक के पैसे नहीं है,
लोग ऐसे हर कुछ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। जुबान पे कंट्रोल करो, बात करने पे भी और खाने पे भी, फिर आप एकदम ठीक रहोगे, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद।